गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो अभी मैं कर रही थी इंग्लिश में मैंने दिए हैं 3 क्विज अड्डा के ऐप से, पर वो मैं देते हुए इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं इसी फ़ोन पे क्विज दे रही थी जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट आई एम गोइंग टू शेयर द रेस्ट ऑफ माई डे विद यू गाइज। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो मुझे भूख लग रही है, सो आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं वापस आऊँगी और फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो आई विल सी यू गाइज आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने खाए थे ये मूंग की दाल के भजिए या मगोड़े भी बोल सकते हो ऐसे। और उसके बाद मैं वापस आ गई थी अपने रूम में पढ़ने के लिए और मेरी स्टडी टेबल बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रही थी क्योंकि मैंने नहाने के बाद अपना स्किन केयर करा था, तो मेरे सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेरी टेबल पे ही रखे थे, तो उन्हें सबको मैंने अपनी अपनी जगह पर रखा। उसके बाद मैंने अपने रूम की बालकनी खोली ताकि थोड़ी सनलाइट आए रूम में, और फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी मैथ्स। और मैथ्स में क्या पढ़ रही हूँ ये मुझे याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं मैथ्स पढ़ रही थी क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई थी 12 मार्च को एंड आई एम एडिटिंग दिस वीडियो ऑन 16 मार्च, जबकि इसके बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। लेकिन इस वीडियो में ना मुझे थोड़ा वॉइस ओवर ज़्यादा करना था तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एंड आई वॉज नॉट गेटिंग एनी टाइम टू एडिट द वीडियो, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसको एडिट करने में। तो इसलिए अभी मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं क्या पढ़ रही थी, पर मैथ्स पढ़ रही हूँ मैं, इतना मुझे पता है। था कि मैं मैथ्स पढ़ रही थी और मैथ्स पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था और अब मैं वापस आ गई हूँ अपने रूम में। और अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं अपना पानी भी ले आई हूँ क्योंकि यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो गई है, तो प्यास भी ज़्यादा लगती है आजकल। मेरे इससे पानी पीने में बड़ा मज़ा आता है, सो यार जबकि इसमें ठंडा नहीं रहता है पर इससे पीने में मज़ा आता है, तो अभी मैंने इसमें भर लिया। बट एनीवेज अभी ना मैं करने वाली हूँ एक एक्सेल का एडवांस्ड एक्सेल कोर्स है, यूट्यूब पे फ्री है वो, तो वो 11 घंटे का लेक्चर है। तो मैं ना सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी नई स्किल भी सीखूँ, तो मुझे ना ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब पे सजेस्ट हुआ था ये एक्सेल का कोर्स, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं कर लेती हूँ। रोज़ मतलब मैं 20-25 मिनट ही पढ़ूँगी, ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि थोड़ी ना एक्सेल हर चीज़ में काम आता है, आपका कुछ भी काम हो तो एक्सेल आपको आना ही चाहिए, दैट्स लाइक अ बेसिक स्किल। तो ये फ्री कोर्स है और एडवांस्ड एक्सेल कोर्स है, तो थोड़ी जो एडवांस्ड फंक्शंस होते हैं वो इसमें हैं, तो अभी मैं वो करूँगी 20-25 मिनट और उसके बाद मैं वापस अपनी पढ़ाई करूँगी। सो लेट्स गो। तो ये सिंपली लर्न करके एक यूट्यूब चैनल है जिस पे ये कोर्स अवेलेबल है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। सो इन केस यू वांट टू चेक आउट यू कैन जस्ट टाइप इट ऑन गूगल एंड लाइक सर्च द चैनल्स नेम और आपको मिल जाएगा ये। तो पहले मैं अपने रूम में सब लाइट वाइट बंद करके पढ़ रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो मेरे को नींद ही आ जाएगी, तो मैं वापस अपनी स्टडी टेबल पर आ गई और फिर मैं वहाँ पर अपने सब लाइट्स ऑन करके अभी पढ़ रही हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। और मैं कोई इसके नोट्स नहीं बना रही, मैं डायरेक्ट इसको एक्सेल पर बाद में प्रैक्टिस करूँगी, पर अभी तो मैं सिर्फ सीख रही थी कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। सो मैंने अपनी एक्सेल की 32 मिनट्स की वीडियो देख ली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आ रहा था सीखने में। और इसमें ना सिर्फ आप वीडियो नहीं देख सकते, आपको एक्सेल पे एक्चुअल में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब आपको थोड़ा अच्छे से आएगा, नहीं तो ऐसे देख लेंगे तो भूल जाएंगे। तो मैं भी करूँगी, अभी रात में करूँगी प्रैक्टिस, अभी नहीं कर रही क्योंकि 32 मिनट्स की मैंने वीडियो देख ली है, अब मुझे अपनी खुद की पढ़ाई भी करनी है, तो अभी मैं करूँगी रीजनिंग। तो चलो ये बंद करते हैं अपना एक्सेल और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी मैं रीजनिंग में कर रही हूँ पज़ल्स, और पज़ल्स मैंने प्री लेवल की भी करी थी और मेंस लेवल की भी करी थी क्योंकि वैसे तो अगर मेंस लेवल के पज़ल आप एक बार सॉल्व करने लग जाओ और आपसे होने लग जाए सॉल्व अच्छे से, तो फिर उसके बाद प्री लेवल की तो बहुत ही ज़्यादा इजी लगती है। लेकिन फिर भी प्री की भी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए क्योंकि प्री में आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है और मेन्स के लिए आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, तो दोनों चीज़ें मेनटेन करने के लिए मैं दोनों करती रहती हूँ, प्री की भी पज़ल्स करती हूँ और मेन्स के भी मैं सॉल्व करती रहती हूँ। तो यस मैंने दोनों तरह के पजल सॉल्व करे थे। और रीजनिंग मैंने बहुत देर तक पढ़ी थी उस दिन, उसके बाद मैं शाम को चली गई थी ऐसे ही बाहर एज यूजुअल, जो मैं हमेशा जाती हूँ शाम के टाइम पे क्योंकि पूरे दिन घर में ऐसे नहीं रहा जाता है, तो इसलिए थोड़ा बाहर भी घूमते रहना चाहिए। तो शाम को मैं चली गई थी बाहर। तो अभी घर आके हमने बनाई है चाय और अभी मैं पी रही हूँ चाय क्योंकि अभी इसके बाद वैसे भी मुझे सोना नहीं है, अभी थोड़ी देर मैं पढ़ाई करूँगी, तो ठीक है अभी चाय पी भी सकते हैं, तो थोड़ा नींद भी नहीं आएगी। तो मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे एंड देन आई विल सी यू गाइस। तो मेरे दिन का लास्ट सेशन था आज करंट अफेयर्स का, और मैंने उसी दिन के 12 मार्च के करंट अफेयर्स करे थे अभिजीत मिश्रा सर की क्लास से, जो अनअकैडमी पे आती है। और अभिजीत मिश्रा सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, और मैं मोस्टली सिर्फ उनकी ही क्लास से अभी करंट अफेयर्स कर रही हूँ। पहले भी उन्हीं की क्लास से करती थी, तो मैं डेली करंट अफेयर्स उनकी क्लास से करती हूँ, और नोट्स वगैरह भी मैं बनाती रहती हूँ डेली के, और बाकी के मैं वीकली PDF से करती हूँ, तो वीकली PDF में भी होता है, तो मेरा अच्छे से रिविजन हो जाता है। सो गाइज, आई हैव कम्प्लीटेड ऑल माई टास्क टुडे। जो भी मेरी टू डू लिस्ट में था वो सब मैंने कर लिया है, एंड इट्स करेंटली 1:11 AM। और आज मुझे थोड़ी देर हो गई है, वरना मैं 11 साढ़े 11 तक हो जाता है मेरी पढ़ाई वढ़ाई, और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। पर आज मैं थोड़ा दिन में टाइम पास कर रही थी, तो इसलिए मुझे आज थोड़ी देर हो गई। पर हाँ, आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट पूरी खत्म कर ली, और अब मैं जा रही हूँ सोने। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।